अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर की जाए, और रेसिपी बहुत मज़े की है, सबकी फेवरेट, हमेशा से ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है ये आलू की। तो आज हम बनाएंगे आलू कीमा, और मेरे साथ मिलेगा बहुत चटपटी मज़ेदार रेसिपी बनानी है और आपके साथ शेयर करूँगी। चलें बनाते हैं आज आलू। बहुत मज़े की भीली भीली खुशबू आ रही है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक की पेस्ट और थोड़े से कुछ मसाले। मैंने आपको बताया था मैं गरम मसाला यूज़ कम करती हूँ, मुझे खुले मसाले, ताज़ा गरम मसाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गरम मसालों में मैंने ऐड किया है ज़ीरा, दालचीनी और दो लौंग, और सब कुछ हंसवे जायका यूज़ किया है मैंने, जैसे कि सब करते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको क्वांटिटी के साथ बताया करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम से क्वांटिटी शो करना शुरू करूँगी, आपको बता दूँगी। मैं तो इसलिए नहीं बताती कि हर इंसान के अपनी चॉइस होती है। ये तो वो चीज़ें हैं जो डलनी है और हम इस मिकदार में डालते हैं। ये तो आपके मटीरियल पर डिपेंड करता है कि आप कितना कीमा ले रहे हैं, कितना प्याज लेंगे। अब मैंने इसके अंदर दो प्याज, दो टमाटर ऐड किए। मैंने सोचा मैं क्यों ना आपके साथ एक टिप शेयर करूं, मेरे पास अमानत है और मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको रेसिपी से बता रही हूं तो मुझे अपनी टिप्स के बारे में बताना चाहिए आपको। जब भी आपको लगे कि आपका आलू मीठे हैं और वो आपकी हंडिया को ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि मीठा आलू हंडिया ख़राब कर देता है, तो आपने से कुछ देर के लिए पानी में भिगोकर नमक डालकर ऐड करके रख देते हैं, और वो बहुत अच्छे नमकीन से बनेंगे आलू, आपकी हंडिया ख़राब नहीं होगी। आलू की में मैंने डाल दिया है पानी। अब वो थोड़ा सा बॉइल होगा तो थोड़ा सा पकेगा, क्योंकि आलू मुझे थोड़ा सा शक था कि शायद ये मीठे हैं, इसलिए मैंने नमक डाल के रखा हुआ था, पर वो ज़्यादा टाइम लेंगे तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। हाफ कप ले लें आप, या फिर 1 कप ले लें, आपके देख लीजिएगा जब तक आपके आलू पकते हैं नहीं पकते, उसके मुताबिक। और मुझे बताइएगा कि कैसा बना मेरे स्टाइल से, क्योंकि मैं बहुत ही झटपट वाले खाने बनाती हूँ, बहुत ही जल्दी वाले। लोग कहते हैं कि बहुत ही जल्दी बन जाते हैं तुम्हारे खाने, यही डांत है। तो ये बात होती है हाथ के टेस्ट की, और हाथ का टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने सब औरतों के हाथों में दिया होता है, इवन कि मर्दों के हाथों में बहुत होता है। मैं आपको आपसे शेयर करूँगी रेसिपीज़ की, और लोगों को भी दिखाऊँगी आपसे, जिनके हाथ में बहुत मज़े मज़े के टेस्ट होते हैं, जिनके खाने मज़े के होते हैं, जिस जगह के खाने मज़े के होते हैं। और आज के लिए बन रहा है हमारा आलू कीमा, और जब इसकी गाने से मेरी बारी आएगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगी कि मैंने इसके कैसे कैसे गाने सीखे। खाना हो गया है रेडी, और इसके अंदर मैंने ऐड किया है गार्निशिंग के लिए धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं पिसा हुआ गरम मसाला बहुत कम यूज़ करती हूँ, जस्ट वन पिंच ऐड किया मैंने। मैं ज़्यादातर खुला मसाला ऐड करती हूँ गरम, क्योंकि जो उसका टेस्ट है वो किसी भी गरम मसाले में नहीं है। और आप ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं, क्या पकाना चाहते हैं, क्या मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊँ, क्या रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, मुझे DM कीजिए, मैं आपका वेट करूँगी कि आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं। और इंशाल्लाह हम आप कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह पाक आपके खानों में बरकत दे, रिज़्क में इजाफा करें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।